वाटर प्यूरिफायर यानी आरओ आने वाले दिनों में बैन हो सकते हैं। इसको लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आदेश भी जारी कर चुका है। आरओ क्यों बैन होने चाहिए इसकी वजह भी एनजीटी ने साफ कर दिया है। फ्रेंड्स, थ्रू इट्स जनरल सेक्रेटरी बनाम जल संसाधन मंत्रालय के एक मामले पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने आदेश जारी करते हुए मंत्रालय को निर्देश दिया है कि आप ऐसे इलाकों में आरओ को बैन करने की अधिसूचना जारी कर सकते हैं जहां के पानी में घुलने वाले ठोस टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है, लेकिन जहाँ ये मात्रा इससे ज़्यादा है वहाँ आरओ का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये आदेश जून 2019 में दिए गए थे। इसके बाद वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जनवरी 2020 में अपनी वेबसाइट पर इस मामले में जन परामर्श मांगा है, लेकिन जानकारों का कहना है कि कोरोना और लॉकडाउन के चलते इस मामले में देरी हो रही है। मंत्रालय भी एनजीटी के आदेश का पालन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। मंत्रालय ने इस संबंध में जन परामर्श की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है, लेकिन इसे लागू करने में देरी की वजह कोविड लॉकडाउन को माना जा रहा है। मीडिया में चल रहे खबरों के मुताबिक आरओ बैन होने के बाद भी कोई अगर इसे इस्तेमाल करता है तो ऐसे मामलों में मंत्रालय कार्रवाई का प्रावधान भी कर सकता है। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक देश के 9 राज्यों के 8,000 से ज्यादा ऐसे शहर हैं जहां पानी में घुलने वाले ठोस टीडीएस की मात्रा 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से ज्यादा है। जल शक्ति मंत्रालय की माने तो ऐसे राज्य और उनके शहरों की सूची जारी कर दी गई है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।